तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ फेस स्क्रब करने का सही तरीका क्या है। जो सही तरीका है दोस्तों वही तरीका आप लोगों को भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले पानी मार लिया हूँ, देख सकते हैं मैं पानी मार लिया हूँ। उसके बाद क्लीजिंग करना है दोस्तों। क्लीजिंग मिल के जो है आपके पास जो भी है उसी को ले लेना है, पहले वॉश कर लेना है, उसके बाद ही स्क्रब लगाना है दोस्तों। इससे होता क्या है कि जो भी धूल मिट्टी होगा चेहरे पर वो निकल जाएगा, तो अच्छे से स्क्रब होगा। इसीलिए आप लोगों को पहले क्लीजिंग करके ही स्क्रब करना है दोस्तों, तो अच्छे से आएगा और ग्लो भी अच्छा करेगा चेहरा। देख सकते हैं मैं किस तरीके से पहले क्लीजिंग कर रहा हूँ। ऐसे ही आप लोगों को पहले भी क्लीजिंग कर ही लेना है, उसके बाद ही स्क्रब लगाना है दोस्तों। अब ये क्लीजिंग जो है अच्छे से कॉटन से पोंछ लेना है। आप चाहे तो इस स्पंज से भी पोंछ सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। मैं ये साफ़ कर रहा हूँ, कॉटन से साफ़ कर रहा हूँ दोस्तों। देख सकते हैं अच्छे से साफ़ कर लिया हूँ। अब क्या करना है दोस्तों, हल्का फुल्का फिर से पानी मारना है। पानी जो है अच्छे से मारना है दोस्तों, और ये अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसको भी अच्छे से पोंछ लेना है, साफ़ कर लेना है। देख सकते हैं मैं नेक पिन लिया हूँ, उसी से साफ़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो अच्छे से सुखा लेना है इसको, उसके बाद ही स्क्रब लगाना है। देख सकते हैं मैं ये स्क्रब ले रहा हूँ, गोल्ड का ले रहा हूँ दोस्तों। बच्चों के लिए गोल्ड का स्क्रब अच्छा रहता है। तो भाई ये स्क्रब जो है ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है। देख सकते हैं मैं कितना सा स्क्रब लिया हूँ, उतना ही आप लोगों को भी ले लेना है। ज़्यादा स्क्रब नहीं लेना है दोस्तों। ज़्यादा स्क्रब लेने से क्या होता है कि चेहरे पर जब स्क्रब लगता है तो हाथ जो है वो स्क्रब के ऊपर ही घूमते रहता है, स्किन में अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा स्क्रब नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है दोस्तों। थोड़ा सा लेने से ही अच्छे से ग्लो आएगा, अच्छे से शाइनिंग करेगा दोस्तों, देख सकते हैं। उसके बाद हल्के हाथ से स्क्रब करना है, ज़्यादा इसको दबा के नहीं करना है दोस्तों। ज़्यादा दबा के करने से क्या होता है कि स्क्रब जो रेती होता है, जो दाना दाना रहता है, वो जलता है दोस्तों। उसको ज़्यादा दबा के चलाने से क्या होता है कि चेहरा जलता है। इसीलिए आप लोगों को हल्के हाथ से करना है। देख सकते हैं मैं कितने हल्के हाथ से चला रहा हूँ, उसे ही आप लोगों को भी चलाते जाना भाइयों। इसी तरीके से आप लोगों को भी स्क्रब जो है अच्छे तरीके से करना है दोस्तों। बिल्कुल हल्का हाथ से करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को भी करते चले जाना है। और फिंगर से जो है दोस्तों, फिंगर से करना है स्क्रब जो है, फिंगर से करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोगों को भी करते चले जाना है। देख सकते हैं भाइयों मैं कितने आराम आराम से कर रहा हूँ, बहुत ही हल्का हाथ चला रहा हूँ। ऐसे ही आप लोगों को भी स्क्रब जो है बहुत ही हल्का हाथ से चलाना है भाइयों। अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और जो भी भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप लोगों तक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए हमेशा इसी तरीके से मिलती रहे। देख सकते हैं भाइयों मैं कितने आराम आराम से कर रहा हूँ, उतने ही आराम आराम से आप लोगों को भी करते चले जाना है। बहुत ही आराम आराम से करना है दोस्तों, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करना है। जल्दी करने से भी वो हाथ जो है अच्छे से नहीं चल पाता है, इसीलिए आप लोगों को आराम आराम से चलाना है दोस्तों। हाथ को जो है बहुत ही आराम आराम से चलाना है। देख सकते हैं मैं किस तरीके से स्क्रब को कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोगों को भी करते चले जाना है। बिल्कुल आराम से करना है दोस्तों, ज़्यादा वो नहीं करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है दोस्तों। और इसको दबाना भी नहीं है, ज़्यादा दबा के भी नहीं करना दोस्तों। ज़्यादा दबा के करने से वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और जलेगा बहुत दोस्तों। इसीलिए आप लोगों को बहुत ही आराम आराम से करना है। देख सकते हैं मैं कितने आराम आराम से स्क्रब को कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोगों को भी करते चले जाना है तो अच्छे से हो पाएगा भाई। देख सकते हैं मैं कितने आराम आराम से कर रहा हूँ भाइयों। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दो, और जो भी भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप लोगों तक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए हमेशा इसी तरीके से मिलती रहे भाइयों। अगर आप लोगों के दोस्त यार जो भी भाई लोग ये काम को सीखना चाहते हैं, कटिंग हो, स्क्रब हो, फेस हो, मसाज हो, ब्लीचिंग हो या फेशियल हो, कुछ भी सीखना चाहते हैं तो मैं वीडियो जो है अपलोड करता रहता हूँ। आप लोगों के दोस्त यार जो भी है उसके पास वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोग भी सीखें और उनको भी सीखने का मौका दे भाइयों। देख सकते हैं मैं कितने आराम आराम से स्क्रब को कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोगों को भी करते चले जाना है तो अच्छे से स्क्रब होगा भाइयों, अच्छे से ग्लोइंग आएगा, अच्छे से फेस जो है शाइनिंग करेगा दोस्तों। देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ऐसे ही आप लोगों को भी करते चले जाना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, स्क्रब जब 10 मिनट 5 मिनट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं करना है, कम से कम तो 5-7 मिनट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद जो है, इसके बाद ये धागा लेना है दोस्तों। धागा लेने के बाद फेस के ऊपर इस तरीके से चला देना है, जैसे मैं चला रहा हूँ ऐसे ही आप लोगों को भी चला लेना है। देख सकते हैं मैं किस तरीके से चलाया हूँ। उसके बाद इस स्पंज से इसको साफ़ कर लेना है दोस्तों, अच्छे से साफ़ कर लेना है। देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोगों को भी साफ़ कर लेना है भाइयों। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दो, एक लाइक करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा और हमें आपका प्यारा सपोर्ट मिलेगा। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा। जो भी वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि मैं जब भी
भी डालो, आप तो आप लोगों तक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए सीखने के लिए हमेशा इसी तरीके से मिलती रहे। देख सकते भाइयों मैं ये साफ़ कर लिया हूँ, अब ये देख सकते हैं पानी फिर से मार रहा हूँ, 2-3 बार पानी मारना है दोस्तों। क्या होता है कि क्रीम जो है वो लगा रह जाता है तो अच्छा नहीं लगता दोस्तों, इसीलिए आप लोगों को अच्छे से साफ़ कर लेना है, टॉवल से भी अच्छे से पोंछ लेना है, नेपकिन से जो है दोस्तों अच्छे से साफ़ कर लेना है, कान वान का भी साफ़ कर लेना है दोस्तों। उसके बाद टिशू पेपर लेना है, टिशू पेपर से अच्छे से सुखा लेना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये आँख में जो थोड़ा बहुत क्रीम चल जाता है दोस्तों उसको कॉटन से भी आप लोग निकाल सकते हैं, मैं ये टिशू पेपर से निकाल रहा हूँ, टिशू निकाल रहा हूँ, तो आप लोगों भी इसी तरीके से क्रीम जो है आँख में अगर चला गया है तो इसी तरीके से निकाल लेना है, तो अच्छे से आएगा दोस्तों, अच्छा शाइनिंग करेगा और आँख भी नहीं जलेगा दोस्तों। देख सकते हैं कितना अच्छा शाइनिंग कर रहा है, इसी तरीके से आप लोगों को भी करते चले जाना है भाइयों, तो अच्छा रहेगा।